सीतापुर भी एसए अखिलेश प्रताप सिंह की बड़ी कार्रवाई। बीएसए ने 5 ब्लॉकों के प्रधानाध्यापकों को जारी की प्रतिकूल प्रवृत्ति। 5 ब्लॉकों के 758 प्रधानाध्यापकों को जारी की गई प्रतिकूल प्रवृत्ति। बीएसए ने दी जानकारी, नहीं हुआ सुधार तो होगी कार्रवाई। जुलाई माह की रिपोर्ट में सबसे फिसड्डी पाए गए इन ब्लॉकों के बेसिक स्कूल। आइए अब सीतापुर से शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर मची रार के बाद सीतापुर बीएसए अखिलेश प्रताप ने बड़ी कार्रवाई की है। क्या पूरा मामला है इसको लेकर हमसे सीधे जुड़ चुके हैं आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्रा जी। तो प्रियांशु जी बताएं क्या पूरी जानकारी है। अरुणेश आपको बता दें कि इस वक्त बेसिक शिक्षकों और जो बेसिक शिक्षा विभाग है उनके बीच में ऑनलाइन अटेंडेंस को लेके पहले भी रार छिड़ी हुई है और हमने प्रमुखता से इस मुद्दे को दिखाया भी, शिक्षकों की मांग को भी हमने दिखाया और इसके बाद जो बीएसए का साक्षात्कार भी किया इस मामले में। और इस बीच एक बड़ी कार्रवाई की है सीतापुर बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने। अखिलेश प्रताप सिंह जो सीतापुर बीएसए हैं उन्होंने 5 ब्लॉकों के करीब 758 इंचार्ज प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापकों को प्रतिकूल प्रविष्टि देते हुए कारण बताओ नोटिस भी जारी की है और ये काफी बड़ी संख्या में कार्रवाई हुई है इन प्रधानाध्यापकों और इंचार्ज प्रधानाध्यापकों पर। और इसमें जो लापरवाही और चूक देखी गई है वो भी काफी बड़ी है। अग्रेश हम आपको बता दें कि छात्र छात्राओं और शिक्षक शिक्षिकाओं की जो डिजिटल अटेंडेंस रजिस्टर पे लगती है वो, और इसके अलावा जो डिजिटल एमडीएम का जो अटेंडेंस लगती है रजिस्टर पे वो 5 ब्लॉकों के प्रधानाध्यापकों और इंचार्ज प्रधानाध्यापकों द्वारा नहीं भरी गई, जिसमें आपको बता दें महमूदाबाद, बिस्वा, गुंदलामऊ, कसमंडा और हरगांव 5 ब्लॉक सबसे फिसड्डी पाए गए हैं जहां पे कोई भी डिजिटल अटेंडेंस का इस्तेमाल ही नहीं किया गया है ब्लॉक स्कूलों के हेड द्वारा। आपको बता दें अगर हम बात महमूदाबाद ब्लॉक की करें तो 58 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों पर प्रतिकूल प्रविष्टि देने की कार्रवाई की गई है। इसके अलावा बिस्मा के 170, गुंदलामऊ के 181, कसमंडा के 142 और हरगांव के 177। तो ये 5 ब्लॉक है महमूदाबाद, बिस्मा, गुंदलामऊ, कसमंडा और हरगांव। और ये जो कुल विद्यालय की बात करें अरुणेश तो 758 विद्यालय है बेसिक शिक्षा परिषदीय विद्यालय जिनके प्रधानाध्यापक और इंचार्ज प्रधानाध्यापकों ने छात्र छात्राओं के साथ शिक्षक शिक्षिकाओं की ही डिजिटल रजिस्टर का यूज नहीं किया है, उपस्थिति नहीं दर्ज कराई है। इसके साथ ही जो एमडीएम का डिजिटल रजिस्टर होता है उसको उसमें भी इन्होंने बिल्कुल भी उसका यूज नहीं किया है। और आप देख सकते हैं आइडिया की स्क्रीन पर वो सूची भी सारे ब्लॉकों की आप देख सकते हैं, इसमें किसी तरह की प्रगति नहीं है, सब में नो नो लिखा हुआ है, मतलब एक भी दिन इन्होंने इसका उपयोग नहीं किया है। और ये जो प्रगति रिपोर्ट है अरुणेश ये जुलाई माह की है और इस मामले में हमारी अखिलेश प्रताप सिंह जो बीएसए हैं सीतापुर उनसे भी बात हुई तो उन्होंने बताया है कि ये जो 5 ब्लॉक सबसे फिसड्डी पाए गए हैं उनके 758 बेसिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक और इंचार्ज प्रधानाध्यापकों को प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी की गई है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर इसमें कोई सुधार नहीं होता है तो आगे इनका वेतन अवरुद्ध करने की भी कार्रवाई की जाएगी और तब भी नहीं सुधरते हैं तो शासन को पत्र लिखकर इससे भी कड़ी कार्रवाई कराने के लिए वो बाध्य होंगे। इसके अतिरिक्त अरुणेश उन्होंने ये भी बताया है कि अभी हम अन्य ब्लॉकों की भी प्रगति रिपोर्ट देख रहे हैं, अगले सप्ताह वहां भी देखा जाएगा और इसी तरह का हाल हुआ तो वो शासन भी लिखेंगे और जितना अधिकार उन्हें है कार्रवाई करने का वो भी कड़ी कार्रवाई करेंगे। अरुणेश बिल्कुल, तो ये बड़ी जानकारी इस समय सीतापुर शिक्षा विभाग से निकल कर आ रही है। बताया जा रहा है सीतापुर बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर जो रार मची हुई है, आपको बता दें शिक्षक लामबंद थे जो है इस आदेश के खिलाफ और जो है अधिकारी अपनी जगह पर अड़े थे कि अब शिक्षकों को मानना पड़ेगा। अधिकारी बार बार इस बात की चेतावनी दे रहे थे कि यदि शिक्षक इस बात को अब नहीं मानते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसके चलते आज सीतापुर बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने 5 ब्लॉकों के जो है जो विद्यालय है उनको सो कास्ट नोटिस जारी किया है, कारण बताओ नोटिस और प्रतिकूल प्रविष्टि की नोटिस भी दी गई है। इसमें अगर हम बात करें तो जो है महमूदा ब्लॉक के टीचर है, स्कूल है, बिस्वा के हैं, गोदलामऊ के हैं, कसमंडा के हैं और हरगांव के हैं। कुल संख्या अगर हम बात करें 758 है। इसके अलावा बीएसए द्वारा ये भी चेतावनी दी गई है कि यदि
अब भी इसके बावजूद जो है इतनी कार्रवाई पर अगर शिक्षक नहीं मानते हैं तो इसके बाद उनका वेतन रोके जाने की कार्रवाई की जाएगी। अगर उसके बाद भी शिक्षक नहीं मानते हैं फिर शासन को जो है पत्र लिखा जाएगा और अधिक कार्रवाई के लिए। फिलहाल उनके द्वारा ये भी कहना है कि अन्य ब्लॉकों की भी जांच की जा रही है और आगे जो है जहां खामी पाई जाएगी वहां पर कार्रवाई की जाएगी। तो सीतापुर भी ऐसे इसमें एक्शन में है। अब देखना होगा शिक्षकों की ओर से जो है क्या जो है निकल कर आता है। एक जानकारी और देंगे, इसमें सबसे गंभीर मामला ये है कि जो डिजिटल स्टूडेंट अटेंडेंस रजिस्टर है और डिजिटल टीचर अटेंडेंस रजिस्टर है, साथ ही डिजिटल एमडीएम रजिस्टर है, उसमें इन ब्लॉकों के किसी भी प्रधानाध्यापक और इंचार्ज प्रधानाध्यापक ने एक भी दिन इसका इस्तेमाल नहीं किया है। पूरी पूरी सूची आप देख ले, सब में नोनो भरा हुआ है। तो ये गंभीर मामला भी है कि उच्चाधिकारियों की अवहेलना भी की गई है इन प्रधानाध्यापकों और इंचार्ज प्रधानाध्यापकों द्वारा। बिल्कुल, तो जो है जैसा जो है बता रहे हैं कि शिक्षकों के द्वारा इस पूरी प्रक्रिया में बिल्कुल सहयोग नहीं किया गया है। उनके जो डिजिटल रजिस्टर है शिक्षकों की जो है अटेंडेंस के हो या छात्रों की अटेंडेंस के हो या एमडीएम के हो, सारे रजिस्टर भी बैंक है जिसके चलते सीतापुर मामले में कार्रवाई की है। फिलहाल आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है वह भी सबसे पहले और सबसे पहले हम अपने लक्ष्यों पर पढ़ेंगे। इन तमाम जानकारियों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।